अरे सवार है कि चॉकलेट है बेटे शो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज एक न्यू व्लॉग लेकर आप लोग के सामने आए और ये व्लॉग स्टार्ट हुआ 7:30 से। और देखिए यहाँ पर सारा अरेंजमेंट जो देख रहे हैं आप सब, सब जिदान के लिए है। जिदान के लिए देखिए ये चपाती रेडी हो गया है और चपाती के साथ वो ज़्यादा मीठा प्रेफर करता है, तो गुलाब जामुन से आज वो रोटी खाएगा। और उसको जो टिफिन देंगे आज, उसका डिमांड था ब्रेड एंड ब्रेड के साथ जैम। तो नॉर्मली वो ब्रेड बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता है, पर सडनली पता नहीं क्या हुआ, मे भी स्कूल में किसी को देखा होगा, तो इसीलिए वो ब्रेड जैम वो बोला है कि टिफिन में दे देने। तो आज टिफिन में वो इजी सा डिमांड किया ब्रेड एंड जैम, तो इसीलिए आज ब्रेड जैम उसको दे रहे। और ब्रेड जैम नॉर्मली वो खाता नहीं है उतना अच्छी तरह से। हाँ, घर में उसको खिलाना पड़ता है तब वो कभी कभी खा लेता है नाश्ते में इवनिंग के, बट आज जो दे रहे ये डाउटफुल है। वो अपना टिफ़िन कंप्लीट करेगा या रिटर्न लेकर आएगा, तो इसमें डाउट है और डैम श्योर वो टिफ़िन नहीं खाएगा। तो इसीलिए जिदान के पापा और हम दोनों डिसाइड किए उसको कम से कम ब्रेकफास्ट में अच्छी तरीके से खिला करके उसके बाद ही स्कूल भेजे, बेटर होगा। जिदान का ब्रेकफास्ट ऐसे होता है और लास्ट टाइम में जल्दी जल्दी उसके बाद भागना पड़ता है क्योंकि एकदम रिलैक्स होकर वो अपना ब्रेकफास्ट करता रहता है ना जिदान। अभी वो स्माइल कर रहा है, आज उसका नींद पूरा हो गया इसीलिए फिर भी मूड उसका अच्छा है, नहीं तो चुपचाप शांत बैठा हो रहता है। जिदान को स्कूल भेजने के बाद मेरा सारा काम स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इजान सोया हुआ रहता है, और इस बीच सारा काम अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मेरे लिए इजी होता है क्योंकि जिदान के पापा बीच में निकल जाते हैं अपने काम से। और इजान को फ्रेश करते हुए फिर निकल गए, अब देखिए पहुंच गए स्कूल। घर आते ही जिदान फ्रेश हो गया और फ्रेश होने के बाद ये जिदान का लंच है दाल बीटरूट पटल एंड सोयाबीन का सब्जी एंड मीट। तो इसमें से इजान को भी खिलाना है बट इजान अभी अवेलेबल नहीं है, तो सोचे पहले जिदान को खिला लेते हैं, उसके बाद में नंद के घर से इजान को लेकर आने के बाद उसको भी लंच करवा देंगे। ये इजी रहेगा क्योंकि जिदान को अरबी जाना रहता है तो जिदान का लंच भी ज़रूरी है पहले करना। तो जिदान देखिए अभी बोर्ड में लिख रहा है और इस बीच उसका लंच भी कंप्लीट हो रहा है। अभी जिदान जा रहा है अपना अरबी ट्यूशन। इस टाइम थोड़ा सा मतलब टाइम का कमी रहता है इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट करना पड़ता है। तो जिदान को अरबी ट्यूशन छोड़ने के बाद फिर इजान को भी पिक करना है मेन नंद के घर से। चलो তাড়াতাড়ি বৃষ্টি আসবে। ওইতে যাব না, এগুলো দিয়ে। जिदान को छोड़ने के बाद अब इजान अभी मेरे साथ है, मतलब अब हम लोग जा रहे हैं घर। और इजान ऑलरेडी लंच कर चुका है, अब डायरेक्टली घर जा कर के उसको सुलाना है। तो ये रहा आज का छोटा सा व्लॉग, और आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा व्लॉग को शेयर करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सारा काम कंप्लीट करने के बाद देखिए अभी हम लोग बैठे हुए हैं। हाँ, जिदान का स्टडीज थोड़ा सा बाकी है और कल उसका एग्ज़ाम नहीं है, इसीलिए आराम से हम लोग बैठे हुए हैं। और देखिए एक छोटा सा केक बनाए हैं, एक्चुअली जो मटेरियल्स बचा हुआ था तो उसी से एक छोटा सा केक बना दिया। और अभी जिदान और इजान कट करेगा, उन लोग काफ़ी एक्साइटेड है केक कट करने के लिए। और जिदान को बोले नाइफ लेके आने और वो नाइफ लेकर आया, देखिए दिखाते
देखिए कितना बड़ा नाइफ, देखिए कितना बड़ा साइज का नाइफ लेके आया। अभी कट करेगा दोनों, कट करो बे, करो रेडी, चलो स्टार्ट। ए वाह, का बजे का बजे, अरे शावर आएगी चॉकलेट। কেমন টেস্টি? টেস্টি। এবার মাম্মা কাট করবে। খাও একটু খাও একটু খাও। ও চকলেটে বিজি।